मैंने हमारी जिंदगी का फैसला ले लिया है, मैं जा रहा हूँ घर, घर वालों से बात करने। चलो दृष्टि, कर सकते हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकते ऐसा। थाने हर साम हमारे साथ ऐसा कुछ कर ही ना सकते, क्योंकि उन्हें भी पता है कि ये सब सुनने के बाद उनके परिवार वालों को कितना दुख होगा। जब वो अपना फैसला सुनाएंगे तो सब कितने टूट जाएंगे, पर वो तो सपने में भी अपने परिवार को दुख में ना देख सकते। नहीं कर सकते थानेदार साहब हमारे साथ ऐसा कुछ भी, लेकिन फिर वो चीची को ऐसे क्यों लेकर गए? बुलबुल, अगर थारा दिमाग अव्वल है ना, तो थानेदार साहब का दिमाग तो डबल अव्वल है। जरूर उनके दिमाग में कोई प्लानिंग चल रही है, वरना वो चीची को ऐसे उतावली गिनहरी की तरह थोड़ी लेके जाते। अगर उन्हें चीची सच में पसंद होती तो वो सबको बिठा कर आराम से अच्छे से बता दे। ऐसा कुछ ना कर सकते थानेदार साहब। लेकिन फिर आखिर चल क्या रहा है थानेदार साहब के डबल अव्वल दिमाग में? मैंने मना करी थी कि ना करी थी, इतना बताने मना है। जब मैंने मना करी थी तो फिर तूने विशेष और दृष्टि की सगाई के बारे में सोची कैसे? आप एक बार मेरी बात, कोई खुद जाके कुल्हाड़ी पे अपना पैर मारे है, कोई बात कर रहा है फालतू नहीं। पत्रकार साहब एक बार मेरी बात तो सुन। मैंने थारे से कुछ ना सुनना है, और मैं थारे से पूछ ना रहा हूँ, तने बता रहा हूँ कि विशेष और दृष्टि की शादी नहीं होगी, मतलब नहीं होगी, बात खत्म। पापा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। विशेष भाई और दृष्टि की शादी नहीं हो सकती, क्योंकि मैं और दृष्टि एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं। चाची साहब, थानेदार साहब दृष्टि चीची का हाथ पकड़ के ऐसे क्यों लेके गए? जैसे वो उन्हें हथकड़ी बुआसा पहनाकर बस जेल में ही डालने वाले, किसी अपराधी की तरह। फिर सच कह रहे हैं मां साहब। दृष्टि, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, वो भी अपनी सगी बहन के साथ? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? बस भाइयों, इसमें दृष्टि की कोई गलती नहीं है, या जो कुछ भी हो रहा है मेरी वजह से हो रहा है। और कब तक मैं आप सबके सामने बुलबुल के साथ रिश्ता ठीक होने का दिखावा करता रहूंगा? आप सबके आंखों पर बुलबुल नाम की पट्टी बंधी हुई है, और खासकर आपकी आंखों पर पापा। Yeah.
दृष्टि चलो। वीर 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 हम यहाँ कहाँ आ गए हैं? अरे जाइए। वीर हम यहाँ क्यों आए? अब हम यहाँ पे किसी केस के लिए जिद तो ले जाएंगे क्या? अरे हट जाओ ना, हट जाओ। वीर वीर क्या मुसीबत है ये? दृष्टि अब ऐसी मुसीबतें तो आती रहेंगी ना, लेकिन तुमने और मैंने एक दूसरे का हाथ थामा हुआ है ना, तो हम इन सारी मुश्किलों से बाहर निकल जाएंगे। और इस बार मैं तुमको भागने भी नहीं दूंगा। हाँ चलो मेरे साथ चलो। आ जाओ। क्या है वीर? ये हमारा हमारा होम स्वीट होम। स्वीट? हाँ ये स्वीट या स्मेली? वीर वीर हम यहाँ रहेंगे? हाँ दृष्टि यही होगा हमारा अपना घर। अरे देखो सनलाइट भी अच्छी आती। आई नो ये पापा के घर जितना सॉरी अच्छा नहीं है, लेकिन अब जो कुछ भी है यही है हमारा बेस्ट ऑप्शन। वीर ऑप्शन और भी तो है ना। अब तुम आईपीएस ऑफिसर हो, तुम्हें तो वो गवर्नमेंट क्वार्टर मिला होगा, हम बाहर रह सकते हैं ना। गवर्नमेंट क्वार्टर एक्चुअली कमिश्नर साहब का फोन आया था और थानेदार साहब थानेदार साहब नहीं रहे। अभी आएगा असली खेल का मजा। क्योंकि अब वो हवलदार साहब बन चुके हैं। क्या? अभी अभी मैं कमिश्नर बाबा साहब से मिलकर आ रही हूँ, और आपको तो पता ही वो मारे को अपनी बेटी बोलते। जैसे ही उन्हें पता चला कि किसी और के लिए आपने मारे को छोड़ दिया, वैसे वो बहुत गुस्सा हो गए और उन्होंने बोला कि जो इंसान अपनी पत्नी को लेकर ईमानदार नहीं हो सकता, वो देश के प्रति क्या वफादार होगा। इसीलिए आज से वीर का डिमो आज से वीर का दर्जा कम किया जाता है। मैं यहाँ बस कमिश्नर बाबा साहब की सजा देने आई हूँ आपको, और सोचा लगे हाथ आप लोगों का ये नया घर भी देख लूं। मैं बताने वाला था दृष्टि, मैं ऑलमू जीजी आपका घर कितना सुंदर है, मैं तो खुली आंखों से आपको यहाँ ऐशो आराम करते हुए देख पा रही हूँ। गलती हो गई, अब तो आप थानेदार सा नहीं, अब तो आप हवलदार सा है ना। हवलदार सा, अब उस पूरे सुंदर से कमरे में सिर्फ और सिर्फ मारा हक होगा। वहाँ की हर एक छोटी छोटी चीज सिर्फ और सिर्फ मारी, यहाँ तक कि वहाँ की भूल पर भी सिर्फ मारा हक होगा। वैसे तो वहाँ जहाँ जैसी भूल ना है, आपकी याद मारे को जरूर आएगी, लेकिन एसी चालू करके कंबल ओढ़ के सोने में मारे को ज्यादा मजा आएगा। हाय हाय बड़ा मजा आएगा मारे को। मजा आएगा तुम्हें? चलो यहाँ। अरे थानेदार साहब सुनिए। चलो मेरे साथ थानेदार साहब। चलो, नहीं चाहिए तुम्हारा एसी, नहीं चाहिए तुम्हारा पैसा और तुम्हारा पंखा, कुछ नहीं चाहिए। जब तक दृष्टि मेरे साथ है तब तक मेरे लिए सब कुछ मेरे पास है। तुम जाओ यहाँ से, जाओ छुटकारा दो मुझे। ओवर एक्टिंग कर रही हो, ओवर एक्टिंग। जा रही हूँ।
मैं ओवर एक्टिंग नहीं कर रही। हमारे को स्कूल में उस प्रतियोगिता में फर्स्ट प्राइज मिला था, नाटक की प्रतियोगिता में। आप ओवर एक्टिंग कर रहे हो, आप अपने ऊपर ध्यान दीजिए, पकड़े जाएंगे। जा रही हूं मैं। अरे माँ, हाँ हाँ ठीक है, दृष्टि को कम मत समझो, शक हो जाएगा उसको। जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से, निकलो यहाँ से। जा रही हूं ना। वैसे आपका दिमाग भी टबल टबल है, मैं जन्म लग गया आपको। जा रही हूँ मैं, जा रही हूँ। पापा सर, आयो भाई साहब। नहीं भाभी, मन नहीं है। खान, आप सब आज कितने दुखी, लेकिन मैंने माफ कर दीजिए। मैं चाह कर भी ये सच ना बता सकती कि थानेदार साहब जो कर रहे वो क्यों कर रहे हैं।